यह मत समझिए कि मोदी जी भाषण देकर के चुनाव जीत गए हैं। तो भाषण देने वाले लोगों की कमी है, बताइए। हमारे यहां बॉलीवुड में एक से एक लोग है, अमिताभ बच्चन को खड़ा कर देंगे, कितना अच्छा भाषण देंगे, तो प्रधानमंत्री बना देंगे उनको, बना देंगे भाषण सुनकर के प्रधानमंत्री। नहीं साहब, ओपिनियन को जो है किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, एआई का इस्तेमाल करके, डेटा का इस्तेमाल करके किस तरीके से ओपिनियन को फ्रैक्चर्ड किया गया, किस तरीके से परसेप्शन को एस्टेब्लिश करके रियलिटी को बदलने की कोशिश की गई, ये जब हो गया तब पता चला। अब जैसे ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी खराब हो गए और मोदी जी अच्छा हो गए? मनमोहन सिंह इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द न्यू लिबरल डिजाइन, ही इज द मेन आर्किटेक्ट। तो मनमोहन सिंह खराब कैसे हो गए, ऐसा क्या हुआ? एक लेवल के बाद कांग्रेस वेलफेयरिज्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती है, उसमें बहुत पाप है, मैं उसको डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से वो वेलफेयरिज्म से अपने आप को डिपार्ट नहीं कर सकता है। क्यों? तो फिर जिस लेगेसी के चलते आज वो कांग्रेस है, उस लेगेसी का क्या करेगा? गांधी को मारने का आरोप राइट विंग पे, और गांधी को जिंदा नहीं रखने का आरोप कांग्रेस पे। दिखाने के लिए भी यदि गांधी को जिंदा रखना है तो आप वेलफेयरिज्म से पूरी तरह से कैसे डिपार्ट कर सकते हैं? जो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी है, उस लेगेसी को आप कंप्लीटली कैसे गिव अप कर सकते हैं? इसलिए मनमोहन सिंह देर से ही सही इस देश में सिखों से माफी मांग लिए। मोदी जी कभी भी मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, हमसे लिखवा लीजिए इस बात को। अब सवाल यह है कि मोदी जी आए क्यों? मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, कितना बार ये कोशिश की है कि एक बार देखा है, दिया ही नहीं, और जब दे दिया तो कहते हैं यहीं रहने दो, अच्छा लगता है, कौन देश जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि वीजा ही नहीं, तो उसको तो आप लोगों का पासपोर्ट होगा ब्लू कलर का, उनका लाल कलर का बना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना होगा, कैसे? तो मैं यहां पे उस वक्त भी हम में से बहुत सारे लोग, अन्ना जी का जब आंदोलन हुआ था ना, तो बोले थे कि जेपी का दूसरा आंदोलन हो रहा है। जेपी का जो पहला आंदोलन हुआ था तब भी दुनिया में कुछ हो रहा था, और जेपी के पहले आंदोलन के बाद ही इस देश में नव उदारवाद की शुरुआत हुई थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, सब कुछ नया हो गया था, अब फिर से नया हो रहा है, बस याद दिला रहे हैं आपको, न्यू इंडिया। ये ओल्ड क्या था, उससे न्यू अलग क्या होगा? पहले ओल्ड तो समझ लें, इसमें न्यू क्या होगा? अन्ना जी के आंदोलन में सबसे पहले स्वयं अन्ना जी ने कहा कि इस देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री का जरूरत है, याद कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अगर हम फैक्ट गलत बोल रहे हो, जनरली हम बोलते नहीं है, क्योंकि मेरा झूठ बोल करके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन प्राप्त करने का प्लान नहीं है। सबसे पहले अन्ना जी ने देश में लिया, और विदेश में कहां नाम लिया गया? न्यूयॉर्क स्ट्रीट में, कि मोदी जैसा व्यक्ति भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी को लीड कर सकता है, और फंडिंग हुई। मोदी जी के नाम पे फंडिंग नहीं हुई थी, कांग्रेस को गाली देने के लिए फंडिंग हुई थी, और एंटी कांग्रेसिज्म इस देश में होना बहुत स्वाभाविक बात है। कोई पार्टी अगर इतने समय से रूल करेगी तो उसकी अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होगी, अच्छाई वो स्वयं नहीं बताती है। अब हमको नेहरू जी से क्या लेना देना, नेहरू जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं, गांधी जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं, किसी कांग्रेस वाले से बुला करके पूछिए कि नेहरू जी के बारे में है कुछ मालूम, कहेगा राहुल गांधी जिंदाबाद। अपनी अच्छाई वो स्वयं नहीं बताते हैं, बुराई तो बताने के लिए है ही कौन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयं की सेवा करते रहते हैं। इतना झूठ, इतना झूठ कि पुराना देश क्या था वो पता ही नहीं था,
नया फिर जो करे वो जो मन करे वो बता दीजिए, जो मन करे वो गिना दीजिए। और इनकी झूठ बोलने की जो काबिलियत है, मैंने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा बड़ा आदमी है।